दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीनशॉट की। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीनशॉट के तीन तरीके हैं। इससे पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। आपको दोनों वीडियो आसानी से नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक विद तनवीर में। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग स्क्रीन शॉट के बारे में जानेंगे, तो मैंने आपको दो वीडियो बता चुका हूँ, एक स्क्रीन के माध्यम से और दूसरा स्निपिंग टूल के माध्यम से। और तीसरा तरीका है, इसमें हम प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डिंग, जिसको PSR कहते हैं, इसके माध्यम से हम लोग अपने सिस्टम की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि सिस्टम में कैसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप स्टार्ट बटन पर चलेंगे, स्टार्ट बटन पर चलने जाने के बाद आप टाइप करेंगे PSR और यहाँ पर ऐसे ये प्रोग्राम आ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट रिकॉर्ड। अब जैसे ही इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए रिकॉर्डिंग नाउ का ऑप्शन दे रहा है, तो हमें काम करते हैं जहाँ जहाँ पे माउस आप क्लिक करेंगे उसको ये कैप्चर कर लेगा। सपोज करिए मैं ऐसे राइट क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे रेड कलर का यूज हो गया। चलिए मैं कंप्यूटर को ओपन कर लेता हूँ, इसको भी जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर भी रेड ऑप्शन किया। या मैं काम करता हूँ MS Word खोल लेता हूँ। अब मान लीजिए हमको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, तो मैं ऐसे कुछ यूज कर लेता हूँ। ऐसे मैंने कुछ टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद देखिए मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी क्लिक हुआ। जहां जहां पे हम क्लिक करेंगे उसको ये सेलेक्ट कर लेगा, मतलब स्क्रीनशॉट फोटो खींच लेगा। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रहा है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। जैसे इसको स्टॉप करेंगे ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, किसी भी नाम से मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैंने सेव कर दिया, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये जो हमारी फाइल सेव हुई ये कंप्रेस फोल्डर के रूप में सेव हुई, हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये HTML के फाइल में दिख रहा है। इसको ओपन करेंगे हम और थोड़ी देर तक वेट करेंगे और ये आपके वेब ब्राउजर में खुल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जहां जहां मैंने क्लिक किया हुआ है इस प्रकार से इस चीज को इसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो आप लोग शेयर जरूर करें।